किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हल्दी व अदरक की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हल्दी और अदरक की खेती की बात हम जब करते हैं तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो भूमि का चुनाव का आता है। चूंकि ये दोनों ही प्रकंद के माध्यम से लगाई जाती हैं, तो किसान भाइयों ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जिस भी भूमि का इन दोनों की खेती के लिए चुनाव किया जा रहा है वो पूरी तरह से जल जमाव से मुक्त होनी चाहिए। अगर किसी भी दशा में उसमें जल जमाव की स्थिति पैदा होती है तो प्रकंद के सड़ने की समस्या किसान भाइयों को सामना करना पड़ सकता है। तो जब हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक हम जुताई करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से, उसके बाद 3 से 4 जुताइयां कल्टीवेटर से करके और भूमि को समतल बना लेते हैं। इसके बाद जब हम इसमें अंतिम जुताई करते हैं उसके पहले हम 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रयोग करके उसे हम मिला देते हैं और इस प्रकार खेत को समतल बना के हम खेत की तैयारी पूर्ण कर लेते हैं। किसान भाइयों, अगर हम हल्दी और अदरक को लगाने के समय की बात करते हैं तो अभी का जो समय है अप्रैल मई का, ये भी उपयुक्त है। इसके साथ ही से जून में भी लगा सकते हैं, परंतु किसान भाइयों इस बात का ध्यान आपको देना होगा कि अप्रैल मई में अगर आप अदरक और हल्दी खेती करना चाह रहे हैं तो आपके पास सिंचाई की व्यवस्था अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंचाई की कमी होती है तो इस समय इन दोनों ही फसलों को लगाना उपयुक्त नहीं होता है। इसके लिए फिर हम मृदा में नमी बनने के समय का इंतज़ार करते हैं, जो कि हमारा जून जुलाई का समय होता है, उस समय भी हम इसको लगा सकते हैं। अदरक और हल्दी की खेती में जो सबसे अच्छी बात होती है कि इसे आप खुले खेत में भी लगा सकते हैं मुख्य फसल के रूप में। उसके साथ ही साथ जो भी किसान भाई हमारे बाग लगाए हुए हैं, फल बागों की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी जो हमारा कतारों के बीच में जो स्थान उपलब्ध होता है उसमें भी इन दोनों की ही खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। विशेष रूप से अगर हम अदरक की बात करते हैं तो थोड़ा हल्की छाया इसे पसंद होती है और इस तरह के स्थान में इसमें जो उपज होती है वो भी अच्छी होती है, पौधे का वृद्धि और विकास भी अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ आपने जिक्र किया सिंचाई के बारे में, तो हल्दी और अदरक की खेती में सिंचाई की क्या स्थान रहती है और कितनी सिंचाई इसमें ज़रूरत पड़ती है? किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं सिंचाई की तो जैसा हमने बताया कि सिंचाई की व्यवस्था आपको पहले से कर लेनी चाहिए, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से जो बात आती है वो आती है सबसे पहले तो प्रभेदों का, आप कौन कौन सा चुनाव करेंगे। अगर प्रभेदों की हम बात करते हैं तो राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनाली, इन दोनों ही प्रजातियों का हल्दी की खेती जो भी किसान भाई करना चाहते हैं इन दोनों उन्नत किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। वहीं अगर बात आती है अदरक की खेती की तो सुरुचि, सुप्रभा, नदिया, इन प्रजातियों का चुनाव किसान भाई करते हैं तो इससे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक हल्दी की बात है तो राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली, इन दोनों में ही जो कुर्क्यूमिन कंटेंट होता है जिससे हल्दी का रंग जो है पीलापन, जो नारंगी रंग, पीला नारंगी रंग होता है वो इस कंटेंट के कारण होता है, और औषधि गुड़ भी जो हल्दी में होते हैं इसी कंटेंट के कारण होते हैं।